मेरा नाम ची शाओ है, मैं लेवल 8 सोशल फोबिया की पेशेंट हूँ। ना मेरे में कॉन्फिडेंस है, ना ही मैं किसी से बात कर पाती हूँ। मैं एक कंपनी में जॉब करती हूँ, वहाँ पे हर कोई मुझे काम पकड़ा के भाग जाता है, मुझे ही सब कुछ करना पड़ता है, मैं उनसे कुछ नहीं कह पाती। यही मेरी अजीब सी जिंदगी है, काम तो करना है, पैसे भी तो कमाने हैं। न्याय से एक मिस्टीरियस पर्सन उसके घर पे आ टपकता है। वो उससे कहता है कि मैं जादुई डिलीवरी मैन हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो हमारे ऐप से ऑर्डर करे और कमाल देखे, ये ले फ्री बर्गर। मैं चला। ची शाओ को ये बात अजीब लगती है, वो ऑफिस जाती है। वहाँ पे वो ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी के दिए हुए बर्गर को देख के सोचती है कि ये तो नॉर्मल वाला है, इससे क्या कमाल होगा। तभी इम्प्लॉयज चिल्ला के कहते हैं कि रेडी हो जाओ, न्यू बॉस आ रहे हैं। ये बॉस तो काफ़ी हैंडसम है और रिच भी, कई कामयाब बिजनेस करने के बाद अब ये यहाँ पे आया है। डायरेक्टर ची शाओ से कहते हैं कि इसे मत खाओ, बॉस आ रहे हैं। वो उसके हाथ से बर्गर लेने की कोशिश करता है कि तभी बर्गर हवा में उछल जाता है। समझ तो गए होगे, बर्गर जी बॉस से किसी भी वक्त जाके टकरा सकता है। सभी इम्प्लॉयज खास कर ची शाओ काफ़ी टेंशन में है। बर्गर बॉस के मुंह पे लगा तो आज उसकी खैर नहीं। लेकिन बॉस सही टाइम पे बर्गर को कैच करके सबको हैरान कर देते हैं। वो ची शाओ को बर्गर वापस देख के सबसे कहते हैं कि डॉक्यूमेंट्स रेडी करो, मिलते हैं 3 मिनट बाद। सभी इम्प्लॉयज़ बॉस के पास जाते हैं, वो सब अपना अपना काम दिखा के बॉस को खुश करने की कोशिश करने लगते हैं। बेचारी ची शाओ चुपचाप बैठी हुई है। डायरेक्टर उससे कहता है कि क्या सुबह से बर्गर की तरफ देख रही हो, खाना है तो खाओ वरना दफा हो जाओ, बाहर जाके खाओ। दूसरी गर्ल्स कहती हैं कि सीईओ जी नाराज मत हो, ये लड़की ऐसी है। बॉस ये सब सुन के हंस पड़ता है। ची शाओ वहाँ से जाने लगती है, उसे लग रहा है कि आज बॉस उसे फायर कर देंगे। चलो बर्गर तो खा लूँ। जब वो बर्गर का एक बाइट लेती है, ये हुई ना बात, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। ये है एनर्जी का झटका, बंद जबान लड़की को बनाए कैंची जबान। ची शाओ एंग्री गर्ल बन चुकी है, वो एक एक करके सबको खूब सुनाती है और कहती है कि क्या मैं किसी की गुलाम हूँ। सच तो ये है कि कंपनी की सेल्स डाउन है, आज के बाद अगर मुझसे किसी ने बकवास की तो मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। ची शाओ की वंडरफुल स्पीच सुन के बॉस सू तो बड़ा हैरान और खुश होता है और सोचता है कि वाओ ये लड़की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। वो ताली बजा के उसे दाद देता है। ची शाओ सोचती है कि अरे नहीं, ये मैंने क्या बक दिया, आज तो मैं गई, सॉरी बॉस कह के वो वहाँ से भाग निकलती है। ची शाओ डिलीवरी पर्सन को फोन करके कंप्लेन दर्ज कराती है। वो उसे कहती है कि ये क्या था जिसे खा के मैं बिगड़ गई। बॉय कहता है कि मैम वो एनर्जी डोज था जिसके खाने के बाद तुमने सच उगल दिया, हम किसी का भी पसोना चेंज कर सकते हैं, फिर से ऑर्डर करें, बाय। ची शाओ सोचती है कि कहाँ फंस गई, क्या वाकई में ऐसा कुछ होता है। वो सोच ही रही होती है कि तभी वो कुछ गर्ल्स को ये कहते सुन लेती है कि उसकी वजह से सबकी जॉब खतरे में पड़ गई है, किसी की जॉब गई तो रिस्पॉन्सिबल ची शाओ होगी। ये बातें सुन के वो डर सी गई है। वो सोल्यूशन सोच ही रही होती है कि तभी वो अपने बॉस से टकरा जाती है। बॉस उसे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। वो उससे बात करने की पूरी कोशिश करती है लेकिन वो कुछ नहीं कह पाती। बाद में वो सोचती है कि मेरी वजह से सब मुश्किल में पड़ गए हैं, मुझे मिस्टर सू से बात करना होगी, उसे समझाना होगा। खुशकिस्मती से बॉस भी वहीं पे आते हैं, मौका अच्छा है। पर ये क्या, एक चोर मिस्टर सू का मोबाइल उसकी जेब से चुरा लेता है। ची शाओ सब देख लेती है। वो चोर के पास जाके उससे कहती है कि मोबाइल वापस करो। वो कहता है कि चल हट, दिमाग मत खा। तभी उसे PPT का नोटिफिकेशन रिसीव होता है, आज की बड़ी ऑफर है, स्ट्रीट फाइट ब्रेव क्वीन पर्सोना। बस क्लिक करने की देर थी, साला डिलीवरी मैन हाजिर हो गया। वही उसे लिफ्ट दे के चोर के पास ले जा रहा है। रास्ते में वो सूप पीती है जिसके बाद वो बदल सी जाती है। वो चोर को सबक सिखा के बॉस का मोबाइल उससे वापस लेती है।
जिसके बाद वो अपने बॉस के पास पहुंचती है और उससे कहती है कि क्या तुम्हें अपना मोबाइल नहीं चाहिए। मिस्टर सू मोबाइल लेके जाने लगता है पर वो उसे रोक के कहती है कि थैंक्स बोलने की आदत नहीं है क्या। वो कहता है कि थैंक्स अब हटो मेरे आगे से। वो कहती है कि जंगली कहीं के, लेकिन तुम अच्छे हो। ये बोल के वो रोमांटिक मूड में आ जाती है। आगे बढ़ने से पहले हीरो के बारे में कुछ जान लेते हैं। मेरा नाम है सुयंग। रोजाना मेरे अकाउंट्स में लाखों रुपए आते हैं। मेरे टोटल 12 कंपनीज हैं। मैं मुश्किल दौर से गुजर चुका हूँ। एक वक्त था जब मेरे पास एक टका भी नहीं था। मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। एक दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया कि मैं इतना सक्सेसफुल होऊंगा कि मेरी फोटो मैगजीन के कवर पेज पे छपेगी। इसी वजह से मैंने ये मैगजीन वाली कंपनी बाय की है। सब कुछ तो है मेरे पास लेकिन छोकरी नहीं है। एक अच्छी लड़की ढूंढना मेरे लिए मुश्किल काम है। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। अब आते हैं वही जहाँ पे कहानी ख़त्म हुई थी। चीशाओ फिर से गलती कर बैठी है, जिसके बाद वो सोचती है कि अब तो मैं नहीं बचूंगी। मैंने अपने बॉस को क्यों छुआ, मैं तो गई। ये तो डर गई है लेकिन सुयंग तो बड़ा खुश है। नेक्स्ट मॉर्निंग चीशा उसे देख के अपना मुखड़ा छुपा लेती है। सुयंग उसके पास आके साहब से कहता है कि आज का डिनर मेरी तरफ से है। अच्छा आइडिया है, ना चाहते हुए भी चीशा को जाना पड़ेगा। रात को सभी जमा होते हैं, माहौल अच्छा है। सुयंग सोचता है कि कल तो ये लड़की बड़ी बोल्ड थी, आज इसे क्या हो गया। सुनो तुम खामोश क्यों बैठी हो। ये सुनके दूसरे कहते हैं कि चीशाओ बॉस को अच्छा वाला जोक सुनाओ। वो कहती है कि एक था क्यूकम्बर जो कि एक्ने की वजह से काफ़ी परेशान था। पता है उसने क्या किया, उसने खुद के स्लाइस करके स्किन केयर करना शुरू कर दिया। वाओ क्या जोक है, किसी को हंसी नहीं आती। चीशाओ शर्मिंदा होके भाग जाती है। वो PPT ऐप से सोशल चीज केक ऑर्डर करती है। फिर क्या, केक खा के उसका पसोना चेंज हो जाता है। वो वापस आती है, उसे देख के सुयंग के होश उड़ जाते हैं। वो सबके मुंह फिर से बंद कर देती है। बाद में वो सुयंग से कहती है कि प्लीज मुझे फायर मत करना। वो कहता है कि तो फिर कल जो तुमने हरकत की वो क्या था। वो कहती है कि ओ वो तो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। उसके बाद हमें पता चलता है कि सुयंग को एक बड़ी ख़तरनाक एलर्जिक बीमारी है। उसे बहुत सी चीज़ों से एलर्जी है, वो कुछ खा नहीं सकता। वो चीशाओ से कहता है कि तुम इस बारे में किसी को मत बताना। ज़्यादा पीने की वजह से चीशाओ की तबीयत थोड़ी ख़राब होती है। सुयंग उसे उठा के ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग मिस्टर श्यांग सबसे कहते हैं कि चीशाओ की वजह से बॉस ने हमें फायर करने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। ये सुन के सभी खुश होते हैं। एक एम्प्लॉय कहती है कि तुमने उस खड़ूस को कैसे मनाया, तुम तो ग्रेट हो। सुनो हमें ओवर टाइम पे भी बॉस से लेके दो, दूसरे मसले भी हल कराओ। वो कहती है कि ओके मैं ट्राई करूँगी। वो जाती है बॉस से मिलने पर वो उससे मिल नहीं पाती और लौट आती है। मसले का हल सिंपल है, एक क्लिक मारो, जादुई फूड मंगवाओ और छा जाओ। बॉस को कन्विंस करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। मैजिक जूस पीने के बाद चीशाओ फिर से बदल जाती है, अब कोई भी ना नहीं कह पाएगा। रात को बारिश होती है, वो बॉस से अम्ब्रेला मांगती है। वो उसे कार में बैठने को कहता है, तभी वो चीख पड़ती है। वो कहता है कि मेरा घर करीब है, वहाँ पे चलते हैं। वो खुश होती है। दोनों जाते हैं। सुयंग उससे कहता है कि गर्म पानी से नहा धो लो ताकि तुम्हें सर्दी ना लगे। वो कहती है कि ओके सुनो प्लीज़ यहाँ पे आओ। ये सुनते ही सुयंग फिर से नर्वस हो जाता है। मैजिक जूस का असर ख़त्म होने के बाद वो सोचती है कि ये मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ, अब मैं यहाँ से कैसे निकलूँ, मुझे छुपके से भागना होगा। वो चोरी छुपके से जा रही होती है कि तभी सुयंग उससे कहता है कि मेरी कौन सी आदत तुम्हें अच्छी लगती है। वो कहती है कि तुम हैंडसम हो, रिच हो, टाइम पे आते जाते हो। वो कहता है कि मेरा टाइम मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है, अगर मैं बिजी हूँ या सुपर बिजी तो क्या तुम इस बात को एक्सेप्ट करोगी।
वो कहती है कि मुझे क्या मसला, मैं तो अपना काम करती रहूंगी। वो कहता है कि ओके तो फिर सुनो, मेरे को लव शव का कोई एक्सपीरियंस नहीं, कल से हम दोनों ऑफिशियल डेट पे जाएंगे। ये सुन के वो कहती है कि क्या बोल रहे हो। वो कहता है कि जो तुमने सुना, तुम भी तो यही चाहती थी ना, पहले दिन से तुम मेरे पीछे थी, तुम्हारा गोल अचीव हो गया। ची शव की किस्मत चमक उठी है, सो यंग ने उसे पसंद कर लिया है, पर मसला ये है कि वो बिजी बंदा है, कहीं दोनों की लव स्टोरी शुरू होने से पहले खत्म ना हो जाए। बहरहाल अच्छा सोचना चाहिए। ची शव तो बड़ी खुश है, उसे हर जगह सो यंग दिखाई दे रहा है, प्यार में ऐसे ही होता है। सुबह को वो पहुंचती है सो यंग के बताए हुए पते पे। लड़की तो आ गई लेकिन लड़के का नाम और निशान नहीं है। वो वेट करने लगती है क्योंकि सीईओ जी मीटिंग में मसरूफ है। 2 घंटे गुजरने के बाद उसे फिर से वही मैसेज आता है कि नेक्स्ट मीटिंग में जा रहा हूँ। वेट करते करते शाम हो जाती है, बिल आखिर सो यंग वहाँ आ पहुँचता है। जैसे ही वो बैठता है तो उसे फ़ोन आता है, एक और मीटिंग है, उसे जाना होगा। वो एक्सक्यूज़ करके वहाँ से भाग निकलता है। ची शव सोचती है कि सोले के पास काम के लिए वक्त है, मेरे लिए नहीं। रात के 10 बज चुके हैं, अभी भी सो यंग के आने की उम्मीद है। वो सोचती है कि मैं डेट पे आई हूँ या मैराथन में, जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा। उसका खून जल ही रहा होता है कि तभी उसे सो यंग का मैसेज आता है। वो कहता है कि सॉरी आज का डेट कैंसिल, कल ज़रूर मिलेंगे। ये पढ़ के ची शव का बच्चा कुचा खून भी जल जाता है। पर उसके पास एक आखिरी ऑप्शन है, वही जादुई फूड डिलीवरी ऐप, क्लिक मारो और चेंज हो जाओ। फिर क्या वो चेंज हो के सोयंग के ठिकाने पे पहुंचती है और उससे कहती है कि चल मेरे साथ। वो जाता है। वो कहती है कि तुम एतबार के लायक नहीं हो, बता सकते हो कि आज तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं सुपर बिजी इंसान हूँ। वो कहती है कि ज़िंदगी में सिर्फ काम नहीं होता, और भी बहुत कुछ होता है। वो कहता है कि जो भी समझो, मेरे को काम करना पसंद है। वो कहती है कि आज के बाद ये नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे लिए वक्त निकालना होगा। ओके मैं चलती हूँ, बाय। नेक्स्ट मॉर्निंग सो यंग ची शव को ऑफिस में बुला के उससे कहता है कि जल्दी से काम ख़त्म करते हैं ताकि हम दोनों बाद में मज़े से घूम फिर सकें। उसके बाद हम देखते हैं कि सो यंग ची शव को अच्छे से ट्रीट करने लगता है। वो उसके लिए हर आधे घंटे बाद कुछ ना कुछ खाने के लिए मंगवाता है। पहले तो ची शव खुश हो कि सब कुछ खाती है, लेकिन जल्दी उसे समझ आता है कि दरअसल उसका बॉयफ्रेंड सो यंग उसे मोटी बनाना चाहता है। वो उससे कहता है कि तुम पतली हो, खाओ और मोटी हो जाओ। वो सोचती है कि ये कैसा बॉयफ्रेंड है जो मुझे खिला खिला के फैट बनाना चाहता है। ओह नो, मेरा वेट 1 पाव बढ़ गया है। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगी, मैं शेप में रहूंगी, मुझे कुछ तो करना होगा। प्लान ये है कि वो खिलाता जाएगा, मैं एक्सरसाइज करके सब कुछ हजम करूंगी, यही बेस्ट है। फिर क्या वो ऐसे ही करने लगती है। ची शव भी सो यंग को दिल से चाहने लगी है, दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। एक रात वो उससे कहता है कि तुम एकदम से चेंज हो जाती हो, कभी शांत तो कभी नखरेली, आखिर मसला क्या है, क्या हम हॉस्पिटल चल के चेकअप कराएं। ये सुन के वो सोचती है कि मैं एक आम सी लड़की हूँ, अगर इसे सच पता चला तो ये मुझसे ज़रूर नाराज़ होगा। मतलब कि ची शव उसे अभी तो सच नहीं बताने वाली। एक रात ची शव सो यंग से कहती है कि तुम तो काफ़ी एनर्जेटिक हो और रिच फैमिली से हो। वो कहता है कि नहीं, मैं रिच फैमिली से नहीं हूँ। कई साल पहले जब मैं इस शहर आया तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं थी, मुझे जॉब भी नहीं मिल रही थी, मैं बेसमेंट में रहा करता था और सिर्फ नूडल्स खा के गुजारा करता था। एक दिन मैंने खुद से कहा कि मैं सो यंग हूँ, मुझे अपनी जगह खुद बनानी होगी और मेहनत करके कामयाब होना होगा। ये सुन के ची शव इंस्पायर होती है और उससे कहती है कि तुमने ये सब कैसे अचीव किया। वो कहता है कि बस किस्मत ने साथ दिया, जिंदगी बदल गई।
एक दिन सो यंग सोचता है कि अगर मैं कामयाब इंसान नहीं होता तो तब भी तुम मुझसे प्यार करती। 3 साल पहले जब मुझे जॉब से निकाल दिया गया था तब मैं बहुत अपसेट हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर एक रात किसी ने आके मुझे कुछ खाने को दिया, वो खा के मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। तभी मैंने डिसाइड किया कि आज के बाद मुझे कोई फायर नहीं करेगा, बल्कि मैं बिग बॉस बनके दूसरों को फायर करूँगा। मैं कामयाब होके दिखाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वही ऐप है जिसे ची शाओ यूज करके अपना पर्सोना चेंज करती है। मतलब कि दोनों एक दूसरे से ये सीक्रेट छुपा रहे हैं, कौन पहले सच बताएगा। ची शाओ और सो यंग का प्यार नेक्स्ट लेवल में दाखिल हो चुका है, दोनों काफी खुश हैं। पर एक बात है जो सो यंग को परेशान कर रही है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो यंग पर्सोना कंपनी का प्रोटीन बार खा के बिग बॉस और रिच तो बन गया है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स ये हुए हैं कि अब वो कुछ खा नहीं सकता। मतलब कि उसे कोई एलर्जी नहीं है, जो हो गया सो हो गया, कोई भी उसकी जगह होता तो यही करता। नेक्स्ट मॉर्निंग ची शाओ सज धज के ऑफिस पहुंचती है। जब सो यंग वहां पे आता है तो उसे प्यार से कहता है कि इधर आओ। वो जाती है, वो कहता है कि मेरे पास बैठो ताकि मैं काम कर सकूं। वाह, बॉयफ्रेंड हो तो ऐसा। उसी शाम ची शाओ सो यंग के पास आके उसे प्रोटीन बार देती है और उससे कहती है कि तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, बदले में मुझे भी तुम्हें कुछ देना चाहिए, तुम इसे खा क्यों नहीं रहे हो। वो कहता है कि इसे मैं संभाल के रखूँगा क्योंकि ये मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे प्यार से जो दिया है। वो शर्मा के चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि इस तरह के प्रोटीन बार तो उसके पास ढेर सारे पड़े हैं, वो खा खा के बोर हो गया है। शाम को ची शाओ और सो यंग दोनों बाहर जाते हैं। ची शाओ उससे कहती है कि बताओ मैं कौन हूँ। वो कहता है कि तुम सिंडी, जेनिफर और नैन्सी हो। ये सुन के ची शाओ दुखी होती है, उसे लग रहा है कि ज़रूर ये लड़कियाँ इसकी एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं। वो कहता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। वो कहती है कि रुको मैं आती हूँ। ची शाओ ने सो यंग की बात को सीरियस ले लिया है, वो थोड़ी परेशान सी हो गई है। पर कोई बात नहीं, उसके पास जादुई ऐप जो है वो उसे यूज करके रोमांटिक गर्ल बन जाती है। सो यंग उसे देख के हैरान रह जाता है, दोनों मूवी देखने जाते हैं। रात को हम ची शाओ को थोड़ा परेशान देखते हैं। दरअसल बात यह है कि उसकी ड्राइंग स्किल्स दिन ब दिन ख़राब होती जा रही हैं। वो सोचती है कि मैं तो अच्छी आर्टिस्ट थी, अब मुझे क्या हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग ऑफिस में भी उसके साथ यही होता है, वो समझ नहीं पा रही है कि ये सब किस लिए हो रहा है। सो यंग आके उसे कहता है कि चलो बाहर चलें। वो कहती है कि नहीं मैं थक चुकी हूँ, मैं घर जा रही हूँ। एक दिन ची शाओ को ये शॉकिंग बात पता चलती है कि सो यंग के पास भी पर्सोना कंपनी के प्रोटीन बार है। ये जान के वो हैरान सी रह जाती है। वो कंपनी फ़ोन करके सो यंग के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताते। दोनों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। सो यंग समझ नहीं पा रहा कि आखिर बात क्या है, क्यों ची शाओ उसे इग्नोर कर रही है। ची शाओ और फेंग त्यान दोनों साथ में बाहर जाते हैं तो सो यंग उन दोनों को चेस करके वहाँ पहुँचता है और दूर से छुप के सब कुछ देखने लगता है। फेंग त्यान ची शाओ को पसंद करने लगा है। सो यंग उसे कॉल करके कहता है कि इमरजेंसी मीटिंग है, ऑफिस आओ। वो कहता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हूँ, नहीं आ सकता। ये सुन के सो यंग गुस्सा होता है और वहाँ पे आके ची शाओ से कहता है कि चलो मेरे साथ। ची शाओ नाराज हो के चली जाती है। बाद में वो उससे पूछता है कि तुम भले मुझसे बात मत करो, पर कम से कम इतना तो बताओ कि आखिर मेरा कसूर क्या है। अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ची शाओ उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है, वो सोचती है कि मुझे क्या करना चाहिए। अगर उसे मेरा सच पता चला क्या तब ये मेरे साथ रहेगा। नेक्स्ट डे सो यंग अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफिस बुलाता है। सब के सब डरे हुए हैं, उन्हें लग रहा है कि बॉस उन्हें फायर करने वाला है। पर वो उनसे कहता है कि ची शाओ मुझसे बात नहीं कर रही, कोई रास्ता निकालो। ये सुन के एम्प्लॉय सुख का सांस लेते हैं और अपनी अपनी एडवाइस सो यंग को देने लगते हैं। उसी दिन सो यंग ची शाओ को फूलों का गुलदस्ता देने की कोशिश करता है, पर वो ये कह के चली जाती है कि कुछ दिनों तक मुझे अकेला छोड़ दो। ये कोशिश भी नाकाम हो गई। सो यंग सोचता है कि अब मुझे ट्रम्प कार्ड यूज़ करना होगा।
वो जाके फेंग त्यान से मिलता है और उससे कहता है कि ची शाओ मुझसे नाराज है। वो कहता है कि इसका मतलब मेरे पास उसे पटाने का चांस है, तुम उसे छोड़ दो, मैं उसे अपना लूंगा। वाह दोस्त हो तो ऐसा। सोयंग उसे ची शाओ के बारे में अपनी फीलिंग्स बताता है और उससे कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो। उसके बाद एक शाम ऑफिस कलीग्स ची शाओ के घर आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। बाहर सोयंग अपनी कार में मौजूद है, फिर क्या वो उसे कार में बिठा देते हैं। सोयंग उसे अपने घर ले जाता है और उससे कहता है कि आज के बाद मेरा सब कुछ तुम्हारा है। वो ची शाओ को उसकी पेंटिंग्स दिखाता है और उसे कहता है कि ये ऑफिस आज से तुम्हारा है, तुम जो चाहे बनाओ। बिल आखिर ची शाओ को एहसास हो ही जाता है कि सोयंग उससे सच्चा प्यार करता है। दोनों की दूरियां ख़त्म तो हो गई हैं, पर सोयंग डिसाइड करता है कि वो आज के बाद परसोना कंपनी के प्रोटीन बार नहीं खाएगा और हार्ड वर्किंग करके मजीद कामयाब होगा। ये सब चीज और भी देख लेती है। वो सोचती है कि क्या परसोना ऐप के बगैर हम दोनों का रिलेशनशिप बरकरार रह पाएगा। सोयंग प्रोटीन बार खाना तो छोड़ देता है, पर उसकी कीमत उसे चुकानी पड़ रही है। उसके बिजनेस को लॉस होना शुरू हो जाता है। देखते ही देखते उसकी हर कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है और उसका बैंक बैलेंस भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ ची शाओ फिर से परसोना ऐप यूज़ करती है ताकि वो सोयंग के दिल की बात जान सके। दूसरी तरफ सोयंग परेशान है, उसके पास दो ऑप्शन है, या तो वो फिर से परसोना प्रोटीन बार खा के अपना बिजनेस बचाए या फिर वो अपने बलबूते पे कामयाब हो। क्या ची शाओ उसे इस हाल में एक्सेप्ट करेगी? काफ़ी सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि वो अपने रास्ते चलेगा और पहले की तरह सक्सेसफुल होगा। उसके दिल की बातें ची शाओ भी सुन लेती है। अब उसे यकीन हो गया है कि सोयंग एक सच्चा इंसान है, दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हैं। लेकिन बुरी खबर ये है कि सोयंग के पास अब सिर्फ मैगजीन कंपनी रह गई है। अगर ये कंपनी भी डूब गई तो उसकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। काफ़ी कोशिशों के बाद भी कोई भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार नहीं होता, बल्कि लालची लोग उसे ऑफर करते हैं कि तुम ये कंपनी हमें बेच दो। सोयंग हरगिज ऐसा नहीं चाहता, उसकी उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं, पर ची शाओ उसे मायूस होने नहीं देती और उससे कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। सोयंग फाइनली उसे परसोना ऐप के बारे में बताता है। सच जान के ची शाओ उससे कहती है कि मैंने भी ये ऐप यूज़ किया है, मैं सब कुछ जानती हूँ। दोनों के मोबाइल से परसोना ऐप डिलीट हो चुके हैं, पर कोई बात नहीं, वो दोनों खुद से प्रॉमिस करते हैं कि आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे और साथ मिलके कामयाब होंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग सोयंग अपने एम्प्लॉय से कहता है कि चाहे हम कामयाब हों या ना हो, पर हमें दिल लगा के काम करना चाहिए, तुम लोग मेरा साथ दो। उसके बाद वो सब दिन रात मेहनत करने लगते हैं। जब कुछ करने की लगन हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। बिलाखिर सोयंग सक्सेसफुल होता है, उसकी कंपनी प्रॉफिटेबल बन जाती है। सोयंग और ची शाओ हंसी खुशी साथ में रहने लगते हैं। इसे कहते हैं असली खुशी और कामयाबी। और इसी के साथ ये अमेजिंग स्टोरी यहीं पे एंड होती है। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।